नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमलदीप है। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल केडी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैंने अपने YouTube चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाई है इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन के नाम से। उस पर हम इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन की सभी वीडियो डालेंगे। आज हम उसी के लिए वीडियो बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं दावे के साथ ये बात बोल सकता हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपके बहुत काम आएगी। आप बिना स्किप करें एंड तक मेरी वीडियो को देखें। तो फ्रेंड्स, हम शुरुआत करते हैं रेजिस्टेंस से। ये हमारी रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, रोक या फिर बाधा। ये जो हमारी विद्युत होती है, जो हमारा करंट होता है, उसके रास्ते में रुकावट का काम करती है। तो फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस दो प्रकार की होती है। एक होती है फिक्स्ड रेजिस्टेंस और दूसरी होती है वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये हमारी इस टाइप की जो रेजिस्टेंस होती है, ये फिक्स्ड होती है, इनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। जैसे ये मेरे हाथ में है, तो ये हमारी 15K की रेजिस्टेंस है। इसके कलर हैं ब्राउन, ग्रीन और ऑरेंज। और ये हमारी क्वार्टर वाट में है। ये हमारी 2 वाट की रेजिस्टेंस है और ये हमारी 5 वाट की रेजिस्टेंस है। ये 2.2 ओम 5 वाट में है और ये भी हमारी 5 वाट की रेजिस्टेंस है। जो हमारी वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है, वो ये होती है, आपने वॉल्यूम टोन देखा होगा। ये वॉल्यूम टोन जो होते हैं, ये हमारी वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है, वॉल्यूम टोन होते हैं। और ये इस प्रकार के, हम इन्हें प्रीसेट बोलते हैं। वैसे वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है, इनको प्रीसेट भी बोला जाता है। ये सभी वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सेकंड नंबर पर आता है हमारा डायोड। ये आप देख सकते हो, यह एक ऐसी विद्युत युक्ति है जिसमें विद्युत धारा एक दिशा में बहती है। इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। जिस साइड में आप देख सकते हो, एक साइड में सिल्वर लाइन इसमें बनी होती है, ये हमारी कैथोड होता है। और दूसरे जो हमारी साइड होती है, वो हमारी एनोड होता है, मतलब पॉजिटिव। एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। इसका जो काम है, वो फॉरवर्ड बायसिंग का काम है और मेनली इसका यूज रेक्टिफायर बनाने के लिए किया जाता है। ये एसी से डीसी वोल्ट बनाने के लिए इसका यूज होता है। ये थोड़ा बिग साइज में है, 6 एम्पियर में। ये काफी तरह के आते हैं फ्रेंड्स, इनके अलग अलग नंबर होते हैं। और ये भी एक टाइप का डायोड ही है, लेकिन ये क्या है, ये पूरा का पूरा ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पे बना हुआ है। मतलब ये 4 डायोड का कम्बिनेशन बना के ये पूरा रेक्टिफायर बना हुआ होता है। बाकी इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में सिंगल सिंगल की मैं फुल डिटेल बताऊंगा। एक इस टाइप का भी डायोड होता है, इन्हें हम जिनर डायोड बोलते हैं फ्रेंड्स। ये हमारे जिनर डायोड होते हैं, ये रिवर्स बायसिंग के लिए काम आता है। इसकी फुल डेफिनेशन नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आता है ट्रांजिस्टर। तो फ्रेंड्स, ये हमारे ट्रांजिस्टर हैं। तो फ्रेंड्स, ये इस टाइप के हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं। ये बड़े ट्रांजिस्टर मैंने इसलिए लिए हैं ताकि आपको अच्छे से दिखा सकूं। तो फ्रेंड्स, यह एक अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल और विद्युत शक्ति को स्विच करने या फिर एम्पलीफाई करने के लिए किया जाता है। ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पीएनपी, एक होता है एनपीएन। ये दो प्रकार के होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्रांजिस्टर के बारे में भी फुली डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। आज का पर्पस सिर्फ इतना है कि आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाए कि किस चीज को क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ट्रांजिस्टर एक ये इस प्रकार के भी होते हैं। ये आप देख सकते हो, ये BC558 है और ये हमारा एम्पलीफायर का ट्रांजिस्टर है 1943। और एक इस टाइप के भी ट्रांजिस्टर होते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा 3055 ट्रांजिस्टर है। ऐसा भी आपने एम्पलीफायर में देखा होगा। इन वीडियो को देख के मैं इतना कन्फर्म कह सकता हूँ कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का वर्क अच्छे से कर सकता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा है कैपेसिटर। यह एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। हम बोल सकते हैं कि यह एक बैटरी की तरह ही काम करता है। यह विद्युत को स्टोर कर लेता है, इसे कंडेंसर भी कहा जाता है। इनका उपयोग डीसी करंट को ब्लॉक करने और पावर सप्लाई को स्मूथ करने के लिए किया जाता है।
और ये डीसी कैपेसिटर है, इसमें प्लस और माइनस होता है, ये माइनस है फ्रेंड्स, और जिस साइड कोई सिंबल नहीं है वो इसका प्लस होता है। ये कैपेसिटर इस प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, और ये इस प्रकार के भी कैपेसिटर होते हैं, इनके साइज कम ज़्यादा होते हैं, लेकिन उस पर ये साइन आपको मिलेगा, एक साइड माइनस ऐसे छपा हुआ मिलेगा। दूसरे कैपेसिटर ये इस टाइप के होते हैं। तो ये फ्रेंड्स सभी कैपेसिटर हैं, इनकी डिटेल्ड वीडियो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इन्हें पिकोफैरेड कैपेसिटर भी कहते हैं। तो ये फ्रेंड्स ये पिकोफैरेड कैपेसिटर, पिकोफैरेड कैपेसिटर में इनमें इन वाले कैपेसिटरों में प्लस माइनस का चक्कर नहीं होता है, ये उल्टे सीधे जैसे भी लगा दे। इसका जो काम होता है यह सर्किट में विद्युत को सुनिश्चित करने के लिए लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा मॉस्फेट, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये IRF 540N है, ये हमारा मॉस्फेट है। मॉस्फेट की फुल फॉर्म होती है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मतलब इसे हम ट्रांजिस्टर का दूसरा रूप बोल सकते हैं। इसका प्रयोग स्विचिंग और एम्पलीफाई के लिए ही किया जाता है। फ्रेंड्स इसके तीन टर्मिनल होते हैं, गेट, सोर्स और ड्रेन, और ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पी चैनल और एक होता है एन चैनल। ऐसे ही ट्रांजिस्टर में भी होता है फ्रेंड्स, ट्रांजिस्टर में एक पीएनपी होता है और एक एनपीएन भी होता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो इनकी सबकी अलग अलग डिटेल्ड वीडियो बनेगी। तो फ्रेंड्स कोई भाई अगर काम सीखना चाहता है तो मेरी वीडियो से मैं श्योर हूँ कि वो काम सीख सकता है। तो इसके लिए आप आगे की सभी वीडियो देखें, मैं सभी कंपोनेंट के बारे में फुल डिटेल वीडियो बनाऊंगा और उसके बाद इनके कुछ सर्किट भी आपको बना के दिखाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स आज हमने सभी कंपोनेंट की सिर्फ बेसिक नॉलेज दी है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इनकी अलग अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना, जिससे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।